बसमिरा रिम थर्ड क्लास कैसे हैं आप लोग होपफुली आप लोग ठीक होंगे सेफ़ होंगे अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन जो है वो एक कोविड की वजह से जो है वो लग चुका है और आप लोगों के स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए हैं तो अब आप लोगों की स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों ने दोबारा से अपना ये जो वीडियो का सेशन है ये स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट आप लोगों का प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुका है थ्री uh, क्लास से मैं बात कर रही हूँ लेकिन फिर भी कोई किसी किस्म का डाउट ना रहे कि हमारी कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं थी या कुछ बच्चे जो एबसेंट थे तो हम इसलिए जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपका जो प्लान है वहाँ से आपकी वीडियोज़ जो हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सो so, आज हम अपना लेसन नंबर वन जो है टॉम एंड लेप्रिकॉन उससे स्टार्ट करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा लेट मी टेल यू फर्स्ट कि आप लोगों की जो रीडिंग्स हैं वैसे तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपकी क्लास के अंदर हो चुकी हैं लेकिन अगर कोई इन केस आपकी रीडिंग किसी भी चैप्टर की वो मिसिंग है तो वो आप लोगों का होमवर्क है वो आप लोगों ने खुद से करना है और इसके अलावा आप लोगों का जो बुक वर्क होता है वो भी आप लोगों का होमवर्क है वो आप लोगों ने जो है वो खुद से करना है ये आप लोगों के जो स्क्रीन पर काफ़ी देर से शो हो रहे हैं ये आप लोगों के टॉपिक्स हैं अब इसके बाद हम जो है वो अपने वर्ड्स मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं अच्छा जी क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए हम अपनी इस वीडियो के अंदर अपना पूरा चैप्टर जो है उसको कवर करेंगे सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड इज क्लेवर स्किल्ड एट डूइंग समथिंग, होशियार नेक्स्ट वर्ड इज डिग टू फॉर्म अ होल बाय मूविंग सोइल खोदना थर्ड वर्ड इज स्पेड अ डिगिंग टूल विद अ लॉन्ग हैंडल बेलचा लैप्रिकॉर्न अ स्मॉल मिस्चीवियस एल्फ ख्याली भूत लास्ट वर्ड इज रेनबो आर्क ऑफ सेवन कलर्स इन द स्काई धनक या कोसे कजा ये थोड़ी देर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने छोड़ा है ताकि आप लोग इसको आसानी से नोट डाउन कर लें अच्छा जी सेकेंड थिंग विच वी हैव इन योर सिलेबस इज वर्ड सेंटेंसेस अब मैं हमेशा आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप लोग अपने खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए जो बनाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं अब हम इसको करते हैं फर्स्ट वर्ड इज रिबन आई हैव अ कलरफुल रिबन इन माय पॉकेट सेकंड वन इज प्रॉमिस ऑलवेज फुलफिल योर प्रॉमिस नॉइज देयर इज लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास गोल्ड ऑल दैट

ऑलवेज़ फुलफिल योर प्रॉमिस हमेशा अपना वादा पूरा करें नॉइज शोर देयर इज लॉट ऑफ नॉइज़ इन द क्लास क्लास के अंदर बहुत शोर है गोल्ड ऑल द डिटर्स इज नॉट गोल्ड हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती देन द लास्ट वन इज़ मिडल दरम्यान द गर्ल लॉस्ट हर वे इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट की लड़की जो है वो जंगल के दरम्यान में अपना रास्ता खो गई अच्छा जी अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की फर्स्ट क्वेश्चन इज हु टोल्ड टॉम अबाउट द लेप्रिकॉन के लेप्रिकॉन के बारे में टॉम को किसने बताया था टॉम्स ग्रैंड डैड टोल्ड हिम अबाउट लेप्रिकॉन जो टॉम के ग्रैंड डैड थे यानी कि उसके दादा थे या उसके नाना आप जो भी कह लें उन्होंने उसको लेप्रिकॉन के बारे में बताया था सेकेंड क्वेश्चन इज वट वॉज द लेप्रिकॉन डूइंग लेप्रिकॉन जो है वो क्या कर रहा था लेप्रिकॉन वाज मेंडिंग शूज जो लेप्रिकॉन है वो जूते मुरम्मत कर रहा था थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वाज द गोल्ड सोना कहाँ था द गोल्ड वाज अंडर द ट्री जो सोना है वो दरख्त के नीचे था व्हाट डिड टॉम पुट ऑन द ट्री जो टॉम है उसने दरख्त पर क्या लगाया ही पुट रिबन ऑन द ट्री उसने दरख्त पर रिबन लगाया लास्ट क्वेश्चन इज वट डिड लेप्रिकॉन डू अब उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि लेप्रिकॉन ने क्या किया ही पुट येलो रिबन ऑन ईच ट्री इन द जंगल उसने जंगल के अंदर हर दरख्त के ऊपर येलो कलर का रिबन लगा दिया ठीक है जी अब यहां पर हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एंड होते हैं अब नेक्स्ट हम अपनी डिक्टेशन करेंगे जी दीज आर योर डिक्टेशन वर्ड्स फर्स्ट वन इज लेप्रिकॉन सेकेंड वन ग्रैंड डैड थर्ड रेनबो फोर्थ टैपिंग फिफ्थ मिडल सिक्स प्रोमिस सेवेंथ रिबन एट्थ क्लेवर नाइन्थ टच अब बारी आती है आपके बुकवर्क की अब मैं आपको आपका जो बुकवर्क है उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन देती हूँ जो कि आप लोगों ने खुद से करना है अच्छा जी आपका ये जो लेसन नंबर वन है टॉम एंड द लेप्टॉर्न इसके बुकवर्क के सिर्फ एक ही पेज है आपका और उसके दो पार्ट हैं पेज नंबर सिक्स का पार्ट ए एंड पेज नंबर सिक्स का ही पार्ट बी ये आप लोगों ने खुद अपनी मदर्स की हेल्प से या अपने ट्यूटर की हेल्प से जो है इसको खुद से सॉल्व करना है वैसे तो क्लास में ये करवा दिया गया है लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों के पास नहीं है उन लोगों ने इसको खुद से करना है और इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है यहाँ पर आज हमारा लेसन नंबर वन जो है वो ख़त्म होता है अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ लेसन नंबर टू में आएंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा पढ़ाई अच्छे से करें अपना ख्याल रखें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें सारे एस ओ पीज़ को फॉलो करें और प्लीज़ अपने आप को जो है वो घर में रखें घर से बाहर नहीं निकलें ओके जी अल्लाह हाफि